जो एल्बम है, ये एल्बम किस तरह से डेवलप किया, क्या आपने सोचा और किस तरह के उसको एक्चुअली आपने उसको पुटअप किया है? एक्चुअल में बचपन से ही इंडियन डिफेंस के लिए हम बहुत पैशनेट हैं। हमेशा बचपन में अपनी माँ को जिद करते थे मुझे वो आर्मी वाला ड्रेस दे मुझे खरीद के। तो जब हमारे एक जब हम सब्जेक्ट बेस्ड गाना ज़्यादा बनाते, मेरे जहन में ये था कि हम देशभक्ति गीत बनाएं। तो दो साल पहले हमने ये गाना बनाया था, मतलब कंपोज किया था। और जब कंपोज इस गाना को किए थे तो हम कोशिश कर रहे थे कि खुद मैंने खुद ही हम गाना लिखते हैं तो ऐसा हो कि जिसमें हम अपने फ्रीडम फाइटर को भी ट्रिब्यूट दें और इंडियन जो डिफेंस फोर्सेस है उनको भी ट्रिब्यूट करें। उस हिसाब से हमने उसको बनाया है। तो एक अंतरा वो जो है फ्रीडम फाइटर के लिए डेडिकेटेड है और दूसरा अंतरा है जो हमारे करेंट डिफेंस फोर्सेज हैं उनके लिए है। और ये सब बना यहाँ पर लोग होगा, मतलब एक दिलचस्प बॉलीवुड के गाने या आपने एक शॉकिंग तरह की एल्बम होते हैं, पर आपने एक देशभक्ति पेट्रियोटिज्म जनवरी भी आ रहा है, खास उस चीज को ध्यान रखें क्योंकि एक्चुअली थोड़ा कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू भी होता है। ऐसा है कि हाँ, क्योंकि हम एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, हम कस्टम्स में काम करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा देशभक्ति सरकारी काम करते करते ऐसा हमने बहुत पैट्रियोटिज्म का बहुत एक भावना ऑटोमेटिक आ गया है। और दूसरा ये है कि डिफेंस फोर्सेस जो है हमेशा हमें बहुत पैशनेट अबाउट इट, तो मुझे लगता था एक ऐसा गाना बनाया जाए जो जो नॉन कमर्शियल हो, जो हमारे देश के वासियों के लिए, मतलब एक मुझे ऐसा लगता है तो कोई ऐसा गाना बना नहीं है जो हम लोग अपने फ्रीडम फाइटर को भूल गए हैं, 15 अगस्त 26 जनवरी एक छुट्टी का दिन मानते हैं, जो मुझे थोड़ा तकलीफ होती है। मुझे लगता है कि इसमें कुछ नेशनल प्रोग्राम होना चाहिए, ये तो इस तरह का मैसेज देने की कोशिश हम की है। तो मानते हैं कि एक्चुअली बराबर है, आपने सही कहा कि आजकल की जो जनरेशन है, यंग जनरेशन है, वो थोड़ा पेट्रियोटिज्म से थोड़ा दूर होते जा रहे हैं, तो ये एक मैसेज वो मुझे एक तकलीफ लगती है। हम अपने बच्चों को भी बोलते हैं कि ये 26 जनवरी या 15 अगस्त या फिर 2 अक्टूबर ये सब है कि वी शुड डू समथिंग क्रिएटिव, समथिंग फॉर द सोसाइटी, बिकॉज हम लोग अपने ज़िंदगी में इतने मसरूफ रखते हैं कि अपने ही लिए वक्त ज़्यादा अपना निकालते हैं, समाज के लिए नहीं करते। तो ये एक हमने पूरे परिवार को इसमें सम्मिलित किया है और हम सब में एक सेंसिटाइज करना चाहते हैं लोगों को कि नहीं, अभी हम लोगों वी शुड थिंक मोर अबाउट द कंट्री देन इंडिविजुअल, अपने गेन के लिए। व्हाट इज योर मैसेज टू द यंगस्टर्स और द व्यूअर्स? मेरे को तो मेरा एक ही मैसेज है, अगर आप ट्रू इंडियन हैं, अगर ट्रू इंडियन बनना है तो देश के लिए काम करें, समाज के लिए करें, बस सही, देश के लिए करना और समाज के लिए करना। और इसी के लिए हमने ये गाना जब हमने कलाम साहब को दिखाया था, ही वॉज वेरी वेरी हैप्पी एंड ही हैड गिवन द ग्रीटिंग्स एंड वो जो आपने देखा, तो उन्होंने मुझे बहुत बेस्ट विशेस किए थे कि यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। सेम अभी रतन टाटा साहब को भी दिखाया तो उन्होंने भी, तो मेरे एक डिफेंस मिनिस्टर परिकर साहब भी मुझे काफ़ी वो ही अप्रिसिएटेड दैट सॉन्ग दैट आपने देखा अभी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कमर्शियल एंगल तो मेरे जहन में है ही नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है कमर्शियल का। आप जो बोल रहे हैं कि इसे कमर्शियल एंगल, मेरा आगे भी नहीं रहेगा, मतलब इस तरह का गाना हम करना चाहेंगे आगे, ये मेरे इनर सेटिस्फेक्शन के लिए। 26 जनवरी आ रही तो उस दिन के लिए ये इसको कुछ आगे लेके जाने के नहीं, लेके ऐसा है कि इसके कई टीवी चैनल वाले इंटरेस्ट दिखाए हैं कि इसको चलाएंगे 26 तारीख को, तो मेरे लिए अच्छी बात है, वरना आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हम इसको यूट्यूब में ऐसे ही डाल देंगे तो हमेशा रह जाएगा, जिनको उसको देखना होगा देखेंगे और एक मैसेज मिलते रहेगा। थैंक यू, थैंक यू।